नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है भृगु सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है भृगु सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 22427। बलिया से हर इतवार को ये आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होती है और बलिया से आनंद विहार टर्मिनल की जो दूरी है तकरीबन 14 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके तकरीबन 10 स्टेशन से 886 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। LHB कोच वाली ट्रेन है। सेकंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर आपके अभी आपके सामने इसका रूट मैप आएगा तो ये जो ट्रेन है बलिया उत्तर प्रदेश से अपनी यात्रा स्टार्ट करती है, फिर करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए ये ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करेगी। तकरीबन 888 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। और आगे बात करते हैं इसके टिकट किराए के बारे में, तो आगे इसका टिकट किराया डिस्कस कर लेते हैं। इसे बलिया आनंद विहार टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं, भृगु सुपर फास्ट एक्सप्रेस को। बलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक का मैं अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा। इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। सेकंड AC की बात करें तो बलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक का जो टोटल किराया है वो है 1775 रुपये, जिसमें 1595 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 85 रुपये है। टोटल किराया 1775 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1255 रुपये, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक का बता रहा हूँ, जिसमें 1110 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 60 रुपये है। टोटल किराया 1255 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के तकरीबन 9 कोचेस हैं, जिसका टिकट किराया जो है 475 रुपये है, जिसमें बेस फेयर 425 रुपये है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 475 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं, 3 कोच इंजन की तरफ लगाए गए हैं और 2 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसका टिकट किराया लगभग 260 रुपये के करीब है। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये बलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक का है, फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं बलिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस या भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। बलिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस या भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है बलिया उत्तर प्रदेश से हर इतवार को रात को 10:10 पर यह 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 14 घंटे 15 मिनट बाद यह ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली में पहुंचती है। इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है करीमुद्दीनपुर। करीमुद्दीनपुर में यह ट्रेन जो है रात के 10:36 पर पहुंचती है और 10:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 32 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KMDR। इसके बाद गाजीपुर सिटी में ये ट्रेन जो है रात के 11:10 पे पहुँचती है और 11:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 65 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और गाजीपुर सिटी का स्टेशन कोड है GCT। इसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में पहुँचती है। वाराणसी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1 बजे पहुँचती है और 1:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 140 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मंडवाडी या बनारस रेलवे स्टेशन पे रात के 1:21 पे पहुँचती है और 1:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 143 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। ज्ञानपुर रोड उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 2:11 पर पहुंचती है और 2:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 199 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। ज्ञानपुर रोड का स्टेशन कोड है GYN और यह इस ट्रेन का 6ठा स्टेशन है। इसके बाद बलिया आनंद विहार टर्मिनल
सुपरफास्ट एक्सप्रेस या भृगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4 बजे पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 264 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और प्रयागराज जंक्शन में अमृतसर सियालदा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 6:25 पर पहुँचती है और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 458 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अलीगढ़ जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 9:53 पर पहुँचती है और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 767 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद भृगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस या बलिया आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली में दोपहर के 12:25 पर पहुँचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। इस यात्रा को कम्प्लीट करने के लिए इसे 888 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक कवर करना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।